फ्रेंड्स, और आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ अभी साबूदाने के बड़े। तो आप लोग देखिए मेरे साबूदाने के बड़े। और आप लोग सोच रहे हो कि मैंने ये मेकअप लुक कितना सारा क्यों कर रखा है। तो मैंने एक वीडियो शूट किया था अभी एक मेकअप लुक का, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो देखिएगा ज़रूर। और अगर बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, और वीडियो अच्छा लगे ना तो आप लोग मेरी वीडियो कर दीजिएगा लाइक शेयर, और मेरे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि मैं ऐसी और बढ़िया बढ़िया वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने साबूदाना बड़े बनाने के लिए मैंने साबूदाना एक कटोरी ले लिया है। इसको एक पतीले में डाल दूंगी और फिर मैं इसको भीगने के लिए रख दूंगी। और भीगने के लिए मैं इसे पानी से पहले अच्छे से वॉश कर लूँगी, 3-4 पानी से। और फिर वॉश करने के बाद मैं इसे 5 से 6 घंटे के लिए भिगो के रख दीजिए आप लोग। मैं यहाँ नाइट में ही इसको भिगो के रख रही हूँ, और फिर मैं इसे मॉर्निंग में बनाऊँगी। तो ये मैंने अच्छे से इसको धुल लिया है साबूदाने को, और मैं इसमें बस ज़्यादा पानी नहीं ऐड करूँगी, एक ही ग्लास पानी ऐड किया। आप देख सकते हैं कितना पानी इसके अंदर है, तो बस इतना ही पानी हमको इसमें ऐड करना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, वरना साबूदाने बहुत गीले हो जाएंगे तो साबूदाना सोख कर लेगा इतना पानी, और अच्छे से फूल भी जाएगा। तो अब मैं इसे नाइट भर के लिए रहने दूंगी, पूरी नाइट ऐसे भीगे रहने दूंगी। अब ये देखिए फूल गए हैं मॉर्निंग में। और यहाँ मैंने आलू बॉईल कर लिया है, तो मैंने यहाँ पे आलू को बॉईल करके ये मैश कर ले रही हूँ। मैंने करीब 7-8 आलू ले लिए, उनको बॉईल करके मैश कर लिया है। और तो जो मेरे आलू ये बॉईल हो हैं, इनको अच्छे बहुत ज़्यादा नहीं बारीक हमें मैश करना है, बस हाथ से ही फोड़ लें अच्छे से। और ये जो भीगे हुए साबूदाने हैं मैंने इसी में इसको ऐड कर दूंगी। और इधर मैंने ये मूंगफली ले ली है, और हरी मिर्च है कटी 3-4, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिए। और मैंने करी पत्ता ऐड किया है इसमें। और यहाँ पे मैं अब लाल मिर्च ऐड करूँगी 1/2 चम्मच। आप लोग ऐड करना चाहते हो तो डालिए, वरना मत डालिए। अगर नहीं खाना चाहते आप लोग लाल मिर्च इसमें, तो नमक टेस्ट के हिसाब से डालिए आप लोग, कम ज़्यादा जैसे खाते हैं। तो आप लोग यहाँ इस बड़े को व्रत में भी बना सकते हो। व्रत में बनाने के लिए आप यहाँ पे व्रत वाला नमक यूज़ करिए। लाल मिर्च नहीं खाना चाहते इसमें ऐड करना चाहते तो लाल मिर्च मत डालिए। और तो ये व्रत के लिए हमारा हो जाएगा, क्योंकि साबूदाना व्रत में खाते हैं, आलू हरी मिर्च सब लोग खाते हैं। तो अब मैं इसको ये गोल गोल शेप दे के बड़े का शेप दे दूँगी। तो सारे बड़े मैं इसी तरीके से तैयार करके फिर मैं इनको डीप फ्राई कर लूँगी। मैं बहुत आराम से एक एक करके ऑयल में इसको डालूंगी, जब मेरा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा। तो एक साइड होने के बाद ही हमको इसको इसकी दूसरी साइड पलटना है, वरना अगर हम जल्दी पलट देंगे तो ये साबूदाने के बड़े बहुत सॉफ्ट होते तो फूट जाएंगे। तो अब देखिए एक तरफ मेरा हो गया है हल्का, तो मैं इसको पलट दूँगी। तो इसको मीडियम आंच में ही इसको अच्छे से फ्राई करना है। और ये साबूदाने के बड़े बहुत टेस्टी बनते हैं, ऊपर से क्रंची होते हैं, अंदर से सॉफ्ट रहते हैं। आप व्रत में खाइए, ऐसे नाश्ते में खाइए, कोई आपके घर पे गेस्ट आए तब बना के खिलाइए, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ये देखिए मेरे बड़े बनके हो गए तैयार। तो आप लोगों को कैसी लगी वीडियो? वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी तरीके से और भी अच्छी अच्छी वीडियो चाहते हो तो आप लोग वो बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बाय बाय दोस्तों।